चीजें सबके जीवन में आती हैं। अनेक लोग पिंडराने के पश्चात ईश्वर को पूछते कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें, हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इसे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, न इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य यह है कि ईश्वर सदैव आपके साथ है, रहेंगे। देखिए उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ है, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष में। वो तभी होगा जब वो टूटेगा, टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता है। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है। है ना ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये ना कि आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षाग्रह का ताप सहना ही पड़ेगा। और मेरे साथ रहिए। वंदे धर्म, वंदे कर्म, राधे राधे।